सदन में कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष के आचरण और मुख्यमंत्री के द्वारा बालू को लेकर बड़ी घोषणा की गई। इन सब बातों पर राज्य सरकार के पर्यटन, कला संस्कृति और युवा कार्य मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने रफ्तार मीडिया से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने क्या कुछ कहा। अनुपूरक बजट पर बहस के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सदन में एक बड़ी घोषणा की। अभी उनके कैबिनेट के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी हमारे साथ में, हम इनसे बात करते हैं। आज एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री जी। जी देखिए, इसके लिए बहुत हाय तौबा और बहुत किस्म का घटनाएं भी घटती थी और परेशानी भी था। उसको दूर करने के लिए जो हम माननीय हमन जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है अबू आवास, जो केंद्र सरकार नहीं दिया हम लोग को प्रधानमंत्री आवास का पैसा, तो हम लोग यहाँ से अपने राज्य सरकार को उससे हम लोग दे रहे हैं। उसका काम थोड़ा बाधित हो गया था, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए और गरीबों का और जो नॉन टैक्स पेयर हैं उनको महंगा बालू मिल रहा था, उसको हम लोग सस्ता करने के लिए किया। अच्छा, अगर हम बात करेंगे तो बजट जो अनुपूरक बजट आया उस दौरान बहस के दौरान है विपक्ष सीधे हमला बरता सरकार पे, जिस तरीके से बातें सामने आई एक तरफ से कहा जाए। देखिए, उस जिस दिन से माननीय हेमंत सोरेन जी, इन लोगों का उम्मीद नहीं था कि माननीय हेमंत सोरेन जी बाहर निकलेंगे, जिस दिन से निकले हैं रात में भी उनको हेमंत सोरेन जी का डर, सपना में भी डरते हैं और ऐसे भी तो डर ही रहे हैं। मैंने इन लोगों का सारा जो प्लानिंग था वो फेल हो गया है, इसीलिए अब वो वहाँ बांग्लादेशी, इससे पहले भी तो बांग्लादेशी अगर है, कल तो नहीं आया, परसों तो नहीं, हेमंत बाबू छूटे हैं जेल से, उसके बाद तो नहीं आया है। अगर आया है तो हम लोग को तो नज़र कहीं नहीं, हम लोग को दिखाई पड़ रहा है। ये सब चुनावी स्टैंड है और ये चलने वाला झारखंड में नहीं है। एक आखिरी सवाल, भानु प्रताप शाही सदन के अंदर जिस तरीके से आंकड़े पेश कर रहे थे और सारे मंत्रियों को लेकर के कि उनके विधानसभा में किस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव के दौरान जो वोटिंग हुई उसमें पिछड़े हैं और उसको लेकर के उन्होंने दावा किया कि इस बार आप लोग नहीं आएंगे, ये आखिरी है। एक सही बात बतलाते हैं, MP इलेक्शन और MLA इलेक्शन में फर्क पड़ता है। प्रदीप यादव जी पिछला बार भी अपना क्षेत्र से MP इलेक्शन में हारे थे लेकिन वो जीते। बादल जी भी का भी जो क्षेत्र है उसमें भी यही हाल था। 2019 में जब मेरे वालिद साहब जीते उसमें भी 10,000 वोट से BJP आगे था लेकिन मेरे वालिद साहब 20,000 वोट से जीते। हम अभी 10,000 वोट के लगभग आगे हैं। तो ये लोकसभा विधानसभा का अलग ये है और अब हमारे हेमंत सोरेन जी आ गए हैं। अब हम लोग 60 से 70, पहले तो हम लोग 40-50 में थे, अब 10-15 बढ़ गया। दो मुस्लिम मंत्रियों को लेकर के भी सवाल उठाए गए। अच्छा, इससे पहले आलमगीर चा कौन चीज थे, वो भी मुसलमान थे ना, वो मुस्लिम थे या नहीं थे? ये सब फालतू सवाल जो मैंने राजनीतिक भाषा में जो बोल जाता है ये नहीं बोलना चाहिए। अब राजनीति BJP का जो स्टैंडर्ड था ना बहुत गिर गया है। यही सब जो छोटे मोटे नेता लोग जो हैं, अब अटल बिहारी वाजपेयी वाला BJP नहीं रह गया, ये तड़ी पार वाला BJP हो गया। तो ये थे राज्य सरकार के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी और इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस बार जो है महागठबंधन जो है 60 से 70 सीटों पे जीत हासिल करेगी और एक बार फिर झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनेगी, भले ही BJP के नेता सदन के अंदर या सदन के बाहर जीतने के लाख दावे कर ले। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ मनोज, रफ्तार न्यूज़, रांची।